हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आप सभी का स्वागत है। तो कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को लेकर एक बुरी खबर आई है। सुगंधा मिश्रा, जो कपिल के शो में भी दिख चुकी हैं, वे अपने बॉयफ्रेंड संकेत भोसले को लेकर काफ़ी चर्चाओं में चल रही थी। आपको बता दूं कि संकेत और सुगंधा काफ़ी देर से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ही कॉमेडी की जो दुनिया है उससे बिलोंग करते हैं और इनकी मुलाकात पिछले साल हुई, जिसके बाद से ही इनकी नज़दीकियां बढ़ गई थी। और पिछले साल ये खबरें आ रही थी कि ये दोनों शादी भी जल्दी करने वाले हैं, लेकिन फिर कोरोना के चलते इस शादी को टाल दिया गया और फिर अगले साल का वेट किया गया। अब जैसे इस साल भी लग नहीं रहा कि कोई माहौल सही है, तो शादी के लिए ये बेताब कपल ने फाइनली डिसाइड किया था कि अब ये फाइनली शादी कर ही लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि कोरोना के चलते कई तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। शादी के लिए 50 लोगों की अनुमति दी गई है, लेकिन खबर आई कि सुगंधा और संकेत भोसले ने अपनी फैमिली के जो फंक्शंस हुए वहाँ पे कई तरह के कोरोना प्रोटोकॉल्स को ब्रेक किया। आपको बताना चाहूँगा कि शादी से पहले संकेत भोसले और सुगंधा मिश्रा चाहते थे कि एक धूमधाम से ग्रैंड पार्टी करके एक ग्रैंड फंक्शन हो और शादी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कोरोना के चलते, अनफॉर्चुनेटली। और फिर इन्होंने इसके बावजूद शादी को नहीं टाला, शादी इन्होंने फिर भी करने का जो फैसला था उसको बरकरार रखा और सभी को ये आश्वासन दिया कि ये हर तरह के कोरोना प्रोटोकॉल्स को और रूल्स को फॉलो करके ही ये शादी करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, फिर हाल ही में इनकी शादी की जब वीडियोस वायरल हुई और इनकी शादी की वीडियो जब सामने आई, तो वहाँ पे देखा जा सकता है कि वहाँ पे लोग 50 से काफ़ी ज़्यादा हैं। लगभग 100 से 150 लोगों की गिनती आप वीडियोस में देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसी के चलते इन पर कई तरह के केसेस हुए, FIR हुई और वहाँ की लोकल पुलिस ने जो है इन पर FIR दर्ज कर दी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शादी करते ही भारी मुसीबतों में फंस चुकी हैं सुगंधा। अब इसके चलते इन पे कार्रवाई की जाएगी और जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी को लेकर आज की मेरी ये खबर थी। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।